We are joined by Mr. Imran Masood, uh, Imran Masood sahab uh, doesn't need any uh, introduction, uh, he keeps grabbing media headlines for one reason or the, or, or the other, sometimes for wrong reasons as well. So let's talk to him, see he uh, is contesting uh, Lok Sabha election from Saharanpur and uh, Saharanpur is going to witness triangular fight between. Uh, opposition alliance uh, the bjp alliance which is ruling the state as well as center and uh, um, third front is congress and uh, mr masood is congress candidate and he is giving a tough fight to uh, both his rival groups so uh, we are uh, going to talk to him on his prospect how do you, uh, how does he see this election uh, एंड वट्स रेस्पॉन्स इज गेटिंग फ्राम द पीपल वनी गोज आउट फॉर कैम्पेनिंग इमरान साहब शुक्रिया uh, मुझे वक्त देने का आप ये बताएँ कि क्या लग रहा है आपको जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है देखिए मेरा चुनाव में बीस पच्चीस साल का अनुभव है वही बताता है कि जिस प्रकार का चुनाव इस बार चल रहा है मैंने पहली बार देखा है पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि सभी कास्ट कम्यूनिटी के लोग कांग्रेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो लोग हमें बुला रहे हैं हम जा रहे हैं कोई जाति बिरादरी ऐसी नहीं है या धर्म के लोग जिसका हमें समर्थन ना मिल रहा हो और मैं समझता हूँ कि शायद पहली बार मुझे नॉन मुस्लिम वोट इतना ज़्यादा मिल रहा है जिसके आज मैं उम्मीद नहीं कर रहा था मुझसे कहीं ज़्यादा ये जो सहारनपुर सीट है इसमें टोटल एलेक्ट्रोट्स की तादाद सत्रह लाख के आसपास है और मुस्लिम वोटर्स का एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग चंक है जो अराउंड सेवन लैख है दोनों अपोजिशन अलायंस और कांग्रेस दोनों उसी वोट बैंक को ग्रैब करना चाह रही है कितने सक्सेसफुल होंगे आपको लगता नहीं है कि अगर उसमें शार्प डिवीज़न हुआ तो इसका फ़ायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा शार्प डिवीज़न होने का कोई मतलब ही नहीं है मेरी साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला आदमी हूँ और लोग मेरे साथ जुड़े हैं मेरे काम के लिए काम करने वाला आदमी हूँ कोई आदमी एकदम आएगा और पैसे के बल के ऊपर चाहेगा कि पॉलिटिक्स को वो ग्रैप कर लेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से कर पाएगा लास्ट टाइम भी पैसे वालों ने चुनाव लड़ा लोगों ने जवाब दिया तो इस बार भी ऐसा ही है मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे आने वाली इन शो के इलेक्शन में आपने बीजेपी कैंडिडेट को टफ फाइट दी सेकेंड पोजिशन रहा और बहुत थिन मार्जिन से आपने इलेक्शन हारा हालांकि उस वक्त एसपी और बीएसपी सेपरेटली लड़ रही थी अभी क्या लगता है जब अलायंस साथ है एक मुस्लिम का एक बड़ा तबका उनके साथ जाएगा मायावती का अपना वोट बेस उनके साथ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रॉस्पेक्ट को डेंट करता हुआ नहीं दिख रहा बिल्कुल नहीं लास्ट टाइम जब हम गठबंधन में इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त भी हम अकेले ही इलेक्शन लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के सारे नेता हमारी मुखालफत कर रहे थे तो ये गठबंधन तो पहले से ही हमारे खिलाफ़ है ये लोग हमारे साथ कभी चले ही नहीं और वो वोट हमारा था लास्ट टाइम आपने देखिए कि मुझे पचासी हज़ार वोट मिले थे 2012 में 2017 में नबे हज़ार वोट मिले तो वो वोट बैंक मेरा वो वही है और बसपा का भी वोट बैंक वही वो है अब जितना बसपा को उस वक्त मिला था जा, दो हज़ार के अंदर उसके अंदर आप अगर उठा करके दे देखें तो दो हज़ार के इलेक्शन में बसपा को जो कैंडि 2014 के इलेक्शन में जो बसपा के कैंडिडेट थे मेरे मुकाबले उनको दो लाख बत्तीस चौंतीस जा, हज़ार वोट मिला था हमें चार लाख आठ हज़ार वोट मिला था और 2017 में उनका वोट बैंक बढ़कर के तीन लाख सात हज़ार हो गया जिसमें दो मुस्लिम मजबूत कैंडिडेट लड़ रहे थे डॉक्टर माजिद साहब देवबंद से और इकबाल साहब बेहट से और वो पोलिटिकल लोग थे ये तो पोलिटिकल भी नहीं है कैंडिडेट और दूसरा इस मरत हमारा वोट हो गया था चार लाख उनतीस हज़ार चार आठ से बढ़कर पंद्रह हज़ार वोट हमें देवबंद में कम मिला था गठबंधन के अंदर जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का था और पंद्रह हज़ार वोट शहर में ज़्यादा मिला था जो समाजवादी पार्टी का जीत गए थे छः महीने में जब मेयर का इलेक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी अलग लड़ी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को सिर्फ दस हज़ार वोट मिला तो यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा फैक्टर है नहीं यहाँ लड़ाई बसपा की है गठबंधन गठबंधन नाम दे करके उसको धार देने की प्रयास कर रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं जो वोट जिसके पास है वो उसी के पास है हमें जितना वोट हमें मिलना है वो हमें मिलेगा और इस बार हम लोग पाँच लाख के पार जाएंगे इन हमें उम्मीद है कि पाँच लाख को हम क्रॉस कर जाएंगे सवा पाँच साढ़े पाँच कहीं भी होगा हम लोग क्रॉस कर जाएंगे मैथमेटिक्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है जो जो लगता है देखने में आ, किस अरिथमेटिक के बल पर आप अपनी जीत का इतना स्ट्रांगली दावा कर रहे हैं देखिए मैथमेटिक्स मेरे हक़ में है यहाँ गठबंधन के कोई मायने नहीं है विदाउट इमरान मसूद जिस वोट बैंक को लेकर के वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस गठबंधन के अंदर एक बड़े फैक्टर का लीडर मैं हूँ जिसे लोगों ने बनाया है ये आपके कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है हंड्रेड परसेंट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं 100 है हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस है आपका मुकाबला किससे है देखिए मुकाबला भाजपा से नेचुरल है भाजपा के साथ हमारा मुकाबला और भाजपा के साथ ही फ़ाइट होनी है बसपा कहीं फाइट में नहीं है बसपा को बहुत बड़ा डेंट दलित का, दलित वोट बैंक के अंदर ही मिलने जा रहा है इनको तेईस तारीख को समझ में आएगा ये हुआ क्या जब दलित पिट रहा था और दलित को पुलिस उत्पीड़न कर रही थी तो ये लोग पल्ला झाड़ कर के भाग गए थे और यहाँ लोकल नेता एक भी ज़िले के अंदर नहीं था सब जिला छोड़कर भाग गए थे जिन जिन लोगों की मैंने मदद की है वो तमाम लोग मेरी मदद कर रहे हैं आज आप ये एलिगेशन लगाया जा रहा है अपोजिशन कैंप की तरफ से कि आप इलेक्शन पोलराइज कर देते हैं दो में आपने एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया आप एफ आई हुई आप जेल गए और अपने अक्रॉस द कंट्री आपको लोग जानने लगे तो अपोजिशन uh, कैंप का ये एलिगेशन है कि आप हर इलेक्शन में इस तरह के बयान दे के आप इलेक्शन को पोलराइज करते हैं और इससे बीजेपी को फ़ायदा होता है मैं जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले लोग हैं मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ अगर भाजपा को सही मायनों में तुम्हें हराना है तो इमरान के साथ लग कर कह रहा हो इमरान के बिना भाजपा नहीं हार पाएगी सहारनपुर के अंदर मेरे साथ लगे मेरे साथ लग कर कह रहे हैं कोई गणित किसी भी तरह का नहीं है लोगों के दिलों से इमरान को आप नहीं निकाल सकते मैंने 25 साल हो गए मुझे मेरा चुनाव पूरे के पूरे तीन दिन चलता है मैं तीन दिन चुनावी मोड में रहता हूँ लोगों के इतने काम करता हूँ आप कैसे निकाल लेंगे मेरे के एक फैक्ट्री वाला आएगा पैसे बांटेगा और मेरी मोहब्बत को खरीद कर ले जाएगा ये नामुमकिन काम है ये ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कभी भी नहीं होगा इमरान मसूद एक पॉपुलर लीडर हैं दलित कम्युनिटी में भी जो एक दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर है और इन्फ्लुएंस करता है वो सहारनपुर की पॉलिटिक्स को आपकी अच्छी पकड़ है उसमें आपका भी शब्बीरपुर की की जो वारदात हुई थी वहाँ जो इंसिडेंट हुआ उसमें आपने खुल के आप दलितों के साथ आए भीम आर्मी राइज करती है वहाँ से कैसे देखते हैं क्या भीम आर्मी दलित का वोट इमरान मसूद की तरफ कांग्रेस की तरफ ट्रांसफ़र कराएगी बसपा की तरफ देखिए मैं कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ मैंने मजलूमों की मदद की हमेशा मदद की मैं ही था जिसने सबसे पहले पहल कर करके दो कम्युनिटी के बीच में बढ़ती हुई खाई को पाटने का काम किया बैठा करके इनके फैसले कराने की बात करी इनके आपस के अंदर जो संवाद बंद हो गया था उसको संवाद को चालू कराने का काम किया तो ये मुझे कोई नहीं कह सकता कि मैंने एक तरफ़ा कोई किसी के साथ समर्थन करा या एक तरफा किसी की मुखालफत करी कभी भी नहीं ये काम हम कभी कर ही नहीं सकते हमारा काम जिम्मेदारी के साथ समाज के अंदर अगर दूरियाँ बढ़ रही हैं तो उन दूरियों को पाटने का ना कि दूरियों को बढ़ाने का फाइनली आखिरी क्वेश्चन आप रेस में हैं फाइट में हैं और अगर आ, आप जीत का जिस तरह से दावा कर रहे हैं क्या मार्जिन होगा मैं दो लाख से ज़्यादा वोट से जीतूंगा मैं रेस में नहीं हूँ मैं रेस से बहुत आगे हूँ अभी तो धूल में डंडा चला रहे हैं जो मेरे भागने से धूल उड़ रही है पीछे ये उस धूल में डंडा चला रहे हैं अभी कुछ नहीं है ये ये हमारा चुनाव बिल्कुल एकदम क्लियर है एकदम क्लियर है कहीं कोई डाउट नहीं है हम दो लाख वोट से ज़्यादा वोट से चुनाव जीत रहे हैं इस चुनाव के अंदर तेईस तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आपके सामने तस्वीर साफ़ हो जाएगी हम दो लाख से ज़्यादा चुनाव जीत रहे हैं तो ये थे इमरान मसूद साहब जो अपनी जीत का दावा ही नहीं कर रहे हैं बल्कि कह रहे हैं ये रेस में नहीं है रेस से बहुत आगे हैं और दो लाख के विक्ट्री मार्जिन का क्लेम कर रहे हैं कि दो लाख से ज़्यादा विक्ट्री मार्जिन होगी ये तो वक्त बताएगा कि क्या होना है